हे गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बीकॉम कैरियर ऑप्शंस के बारे में। तो अगर आप ऐसे सुंदर सुंदर छात्र और छात्राएं हैं जिनका बीकॉम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है या फिर हो चुका है और एक कंफ्यूजन वाली स्थिति यह है कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि सर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, बीकॉम के बाद कौन सा हमें डिग्री करनी है, कौन सा प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन करना है, सर शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने हैं तो कौन से करने हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करनी है तो सर कैसे करनी है, तो जितना भी बीकॉम स्टूडेंट का कंफ्यूजन है आज के वीडियो में दूर होने वाला है। 10 से 15 मिनट का ये नियर अबाउट का वीडियो रहेगा। कोशिश करूंगा 15 मिनट के अंदर अंदर सारी वैल्यू आप तक डिलीवर कर दूं और 15 मिनट से अगर ऊपर वीडियो हो जाता है तो आप छोड़ के जा सकते हैं क्योंकि मैंने आपके सिर्फ 15 मिनट इस वीडियो में लिए हैं। मेरा नाम है सुनील अधिकारी, मैं एक सर्टिफाइड कैरियर काउंसलर हूं और पिछले 5 सालों में लाखों बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं राइट कैरियर को चूज करने में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे बच्चा, जैसे मैंने वादा करा है 50 से ज्यादा ऑप्शंस बताने वाला हूं, तो सबसे पहले देखेंगे प्रोफेशनल डिग्री कोर्स। यहां पर कोई भी आलतू फालतू ऑप्शन हमने नहीं लिए हैं, रेलेवेंट लिए हैं जो आने वाले 5 सालों में जिनकी डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाली है। ठीक है, प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज बीकॉम के बाद करने जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन अच्छे कैरियर ऑप्शंस के लिए, अच्छी सैलरी के लिए और अपनी कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन और प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए मास्टर डिग्री करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन आपका एमबीए का है। बीकॉम के बच्चे बिल्कुल एमबीए कर सकते हैं और जिस फील्ड में चाहे, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, जिस स्पेशलाइजेशन में चाहें उस स्पेशलाइजेशन में अपना एमबीए कर सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहां पर नहीं है। एमबीए करने के लिए एंट्रेंस की तैयारी करिए और एंट्रेंस के बेसिस पे अच्छे कॉलेजेस से आपको एमबीए करना है। समझ में आ गई। दूसरा, एमबीए का एक छोटा भाई है पीजीडीएम, जो कि 1 साल का ही होता है और काफी अच्छे कॉलेजेस पीजीडीएम भी आपको ऑफर करते हैं। तो अगर आपका एडमिशन किसी अच्छे कॉलेजेस में हो जा रहा है, जो एमबीए ऑफर नहीं करता है पीजीडीएम ऑफर कर रहा है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, आप पीजीडीएम भी कर सकते हैं। एमबीए के जितनी ही उसकी ही रिकॉग्निशन है इंडिया में। ठीक है, फिर है एमकॉम, एमकॉम मास्टर ऑफ कॉमर्स है। बीकॉम के बाद एमकॉम अगर आप करने जा रहे हैं और करने की सोच रहे हो तो आपका एक स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए। यूजीसी नेट की तैयारी करनी है लेक्चररशिप के लिए, रिसर्च फील्ड में जाना है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो आपको कहीं ना कहीं स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए। नहीं तो कड़वी सच्चाई यह है कि एमकॉम के बाद जॉब नहीं मिलने वाली, आपको ही सर्च करने वाली है। तो एमकॉम करने का आपके पास स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए, नहीं तो एमकॉम अवॉइड आप कर सकते हैं। ठीक है, एमसीए उन बच्चों को करना है जिनको आईटी फील्ड में अपना कैरियर बनाना है। हो सकता है आपने बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन से करी है या बीकॉम करते करते कंप्यूटर फील्ड में काफी इंटरेस्ट आने लग गया है, कोडिंग, सॉफ्टवेयर, डाटाबेस मैनेजमेंट वगैरह में, तो आप एमसीए कर अपने कैरियर को आईटी फील्ड में स्विच कर सकते हैं। पीजीडीसीए, एमसीए अगर टफ लगता है, एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो पीजीडीसीए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किसी भी कॉलेजेस में आपको 1 साल का ये कोर्स होता है, एडमिशन मिल जाएगा और ये भी आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन फील्ड में कैरियर बनाने में काफी मदद करेगा। ठीक है, लास्ट ऑप्शन, सेकेंड लास्ट ऑप्शन एलएलबी का है, मास्टर ऑफ लॉ। उन्हीं बच्चों को करना है जिनको लॉ फील्ड में कैरियर बनाना है। ठीक है, आलतू फालतू मतलब किसी के बहकावे में बताना कि भैया लॉ फील्ड में स्कोप है तो कर लिया, अगर इंटरेस्ट है, अगर स्ट्रेंथ है आपके, अगर आपको लगता है कि मुझे फ्यूचर में लॉयर बनना है, तो 3 साल का एलएलबी होता है बीकॉम के बाद, उसमें आपको एडमिशन लेना है। एल सेट एंट्रेंस होता है जिसकी आपको तैयारी करनी है। बीएड स्पेसिफिक उन बच्चों को करना है जिनको भी टीचिंग लाइन में अपना कैरियर बनाना है, स्कूल लेवल पे टीच करना है। अगर कॉलेज लेवल पे टीच करना है तो बीएड काम नहीं आएगा। एमकॉम के साथ यूजीसी नेट की आपको तैयारी करेंगे, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, किसी भी यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ा पाएंगे यूजीसी नेट क्वालिफिकेशन के बाद। ठीक है बच्चा, तो ये है मेरी नजर में कुछ प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज जिनको आप कर सकते हैं। सारे नहीं करना है, कोई एक आपको चूज करना है। समझ में आ गई है? ठीक है, अब सर्टिफिकेशन की बात करते हैं। बीकॉम के दौरान भले ही आपने कोई सर्टिफिकेशन नहीं लिया है, लेकिन यह बात आपको बीकॉम करते वक्त या करने के बाद क्लियर हो चुकी है कि बीकॉम सिर्फ आप पीस ऑफ अ डिग्री है। डिग्री के बेसिस पर आज के टाइम में कुछ भी भला नहीं हो सकता अगर आपने अपने टॉप कॉलेजेस से बीकॉम नहीं करा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। दो ही तरीके हैं, या तो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन या फिर कोई शॉर्ट टर्म स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज। सबसे पहले प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की बात करेंगे, तो आप कॉमर्स वाले बच्चे हो तो एक फॉर्चुनेट बच्चे हो, किस्मत वाले बच्चे हो कि आपके पास दुनिया भर के ऑप्शन अवेलेबल है। आप सीए कर सकते हो, बताने की जरूरत नहीं है कॉमर्स वालों को कि सीए क्या होता है। सीएस कर सकते हो अगर आपको लॉ फील्ड में जाना है। सीए उन्हीं बच्चों के लिए जिनके अकाउंटेंसी सुपर स्ट्रॉन्ग है, सुपर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सीएस उन बच्चों के लिए जिनको लॉ फील्ड में कैरियर बनाना है। सीए में थोड़ी सी अकाउंटेंसी कम आती है, ये कॉस्ट मैनेजमेंट की फील्ड है, बजटिंग की फील्ड है, कॉस्ट अकाउंटेंट की फील्ड है। ठीक है, ACCA ग्लोबल सीए इसको बोलते हैं, अकाउंटेंसी अच्छी है। इंडिया के साथ साथ चाहते हो ग्लोबल लेवल पे वर्क करना, फॉरेन कंट्रीज में वर्क करना, तो सीए छोड़कर आप ACCA चूज करें, वो बेटर रहेगा आपके लिए। सीएफए इंडिया का, सिर्फ इंडिया का नहीं, ग्लोबल लेवल पे नंबर 1 फाइनेंस का सर्टिफिकेशन कोर्स है जो कि आप कर सकते हैं। 2 साल के नियर अबाउट पर टाइम लगेगा। सीएफपी भी, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, हमारा ग्लोबल लेवल पे हमारा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है फाइनेंशियल प्लानिंग फील्ड का। एफआरएम रिस्क मैनेजमेंट फील्ड का नंबर 1 हमारा कोर्स है जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड है। तो ये
इतने सारे प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, सारे करने हैं क्या? नहीं, कोई एक चूज करना है और डेडिकेटेडली उसकी तैयारी करनी है। चाहे तो अपनी मास्टर्स के साथ करिए, या फिर बेटर यही है मेरे अकॉर्डिंग, ये सारे कोर्सेज डेडिकेटेड प्रिपरेशन मांगते हैं। डेडिकेटेड प्रिपरेशन के लिए आपको मास्टर्स के साथ वो नहीं हो पाएगी, तो बेटर यही रहेगा कि आप डेडिकेटेडली इनकी तैयारी करें। एक से दो साल में क्लियर हो जाएगा पिक्चर कि ये मेरे लिए है या नहीं। अगर नहीं है तो आप मास्टर्स लेवल के कोर्सेज पे जा सकते हैं। रिलेटिवली मास्टर लेवल काफी इजी पड़ेगा इन कोर्सेज के कंपैरिजन में। ये कोर्स तभी करने हैं जब आप पढ़ने वाले बच्चे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप 4 से 5 घंटे रोज नहीं पढ़ सकते तो ये कोर्सेज आपके लिए नहीं है। इस चैनल पे ऑनेस्ट एडवाइस मिलेगी आपको, हवा में बातें नहीं करेंगे। जो आपकी देखिए कैरियर सक्सेस का रूल नंबर फर्स्ट पता है क्या है? खुद से ऑनेस्ट रहना। अगर आप खुद से ऑनेस्ट है कि ये मेरे बस का नहीं है, तो इससे बढ़िया मैं ऑनेस्टी नहीं समझता बच्चे की। मुझे बहुत पसंद है ऐसे बच्चे जो अपनी लिमिटेशन जानते हैं कि यार ये चीज मेरे बस की नहीं है, तो आप स्विच कर सकते हैं किसी और फील्ड में। ठीक है, कैरियर में या लाइफ में क्या नहीं करना, क्या करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कैरियर और लाइफ में क्या नहीं करना, क्या करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपनी लिमिटेशंस को पता होना, लिमिटेशंस की अवेयरनेस होना इज अ फॉर्च्यून। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज में बहुत बड़ा प्रपोनेंट हूं इन स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज का, शॉर्ट टर्म कोर्सेज का। आप जानते ही होंगे हर वीडियो में मैं कहीं ना कहीं इन कोर्सेज की बात करता हूं, और इसीलिए मैंने ईबुक भी अपनी लॉन्च करी थी शॉर्ट टर्म कोर्सेज की, हाई सैलरी कोर्सेज की। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे अगर आप परचेस करना चाहते हैं। तो देखिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज की खास बात यह है कि ये बहुत ही कम समय में होते हैं, पैसा कम लगता है। ठीक है, टाइम ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे मन चाहे वो कर सकते हो, अंडर ग्रेजुएशन के साथ, मास्टर्स के साथ, कभी भी ये कोर्सेज कर सकते हो। सबसे बड़ी बात की है डिग्री नहीं है, ये कहीं ना कहीं सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा और रियल लाइफ चीजें सिखाई जाती है। तो अपने रिज्यूम में ऐड कर आप इनके बेसिस पर अच्छी जॉब, हाई सैलरी जॉब्स को पा सकते हो। ठीक है, तो टेक्निकल कोर्सेज की बात करेंगे स्किल डेवलपमेंट में, 3 से 12 मंथ के ये हमारे सर्टिफिकेशन कोर्सेस हैं। आप बिजनेस एनालिटिक्स के शॉर्ट टर्म कोर्सेज करिए, बिजनेस के पीछे जितना भी डाटा इन्वॉल्व होता है उसके बेसिस पे कैसे डिसाइड करा जाता है, डिसीजन लिया जाता है। डाटा साइंस, डाटा को कैसे रीड करना है, स्टडी करना है, स्टेटिस्टिक कैसे समझ बढ़ानी है, डाटा साइंस। फाइनेंशियल मॉडलिंग है, एआई और एमएल के कोर्सेज हैं, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, बिजनेस अकाउंटिंग और टैक्सेशन के शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर आपको इंटरेस्ट है, वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग के शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी। फाइनेंशियल मार्केट में 2 कोर्सेज बहुत फेमस है, एनआईएसएम और एनसीएफएम। इसके अंदर भी मॉड्यूल है, तो अपने मॉड्यूल के अकॉर्डिंग कोई भी आप 2 से 3 महीने का सर्टिफिकेशन एड ऑन कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में, जिसके बेसिस पे काफी अच्छा पैकेज आपको मिल सकता है। एमएस ऑफिस के स्किल मैं हमेशा प्रपोनेंट हूं कि ये स्किल तो आप में होनी चाहिए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की। आप सिर्फ एडवांस एक्सेल को सीखकर 50 से 60 हजार रुपए कमा सकते हैं, मैं रियलिटी बता रहा हूं। ठीक है, सैप के सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट वगैरह का, ये हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि लार्ज स्केल फॉर्म में काम आता है। इसमें भी काफी मॉड्यूल होते हैं कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए, तो आप अपने स्पेसिफिक मॉड्यूल को चूज कर सकते हैं। ओ लेवल के कंप्यूटर कोर्सेज उन बच्चों के लिए हैं जिनको कंप्यूटर के बिल्कुल बेसिक नॉलेज से एडवांस लेवल तक जाना है। ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोर्सेज होते हैं जिनमें आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। अब आता है नॉन टेक्निकल, ये क्रिएटिव कोर्सेज हैं, इनमें पढ़ाई लिखाई की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें आपको लाइफ स्किल्स सिखाई जाती है, प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा सिखाई जाती है। तो अगर आप वीक स्टूडेंट है, पढ़ाई लिखाई में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो आप इन शॉर्ट टर्म कोर्सेज को कर सकते हैं, नॉन टेक्निकल नेचर के होते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग, वीएफएक्स और एनिमेशन, ब्लॉगिंग और कंटेंट क्रिएशन, थोड़े से क्रिएटिव में आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर हैं, आइडियाज आपको आते हैं। ई कॉमर्स मैनेजमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन के शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, कुकिंग के शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के हैं, आरजे के होते हैं, पेंटिंग की वर्कशॉप्स होती है, फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज होते हैं, स्पेनिश है, जर्मन है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है फ्यूचर में, तो बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल की स्ट्रेटेजीज आप तक शेयर करी जाती है। प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना है, म्यूजिक प्रोडक्शन में अपना कैरियर बनाना है, फिटनेस और न्यूट्रिशन में अगर आपको कैरियर बनाना है, तो सबके 3 मंथ से लेकर 12 मंथ के यहां पर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं। डिप्लोमा कर लीजिए, सर्टिफिकेशन कर लीजिए, दुनिया भर के इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है। 10 से 15 हजार फीस लगती है, आप जितना में डिग्री करते हो उसके 1% ही फीस यहां पर लगती है। आपके रिज्यूम में ऐड होते हैं, आपको पता लगता है कि यार डिग्री ही नहीं, कई बच्चे ने कुछ ना कुछ एड ऑन भी करा है, तो आपको अच्छी जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज की मेरी ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 50 से ज्यादा शॉर्ट टर्म कोर्सेज हमने डिस्कस करे हैं, प्लस बेस्ट इंस्टीट्यूट के नाम भी मैंने प्रोवाइड कराए हैं जहां से आप ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए इंटर्नशिप की बात करेंगे। तो देखिए बीकॉम के जस्ट बाद आप इंटर्नशिप ले सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बात करते हैं तो जॉब लगने के चांसेस या इंटर्नशिप मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप रिक्रूटर्स को बता पाएंगे, कंपनीज को बता पाएंगे कि आपने इस स्किल में भी एक्सपर्टीज हासिल की है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज करा है। फिर भी इंटर्नशाला, ग्लासडोर, लिंक्डइन, monster.com, naukri.com, इंडीड, लेट्स इंटर्न, इंटर्न वर्ड, चेक, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, यूथ फॉर वर्क, फ्रेशर वर्ड, ये इंडिया की कुछ बेहतरीन इंटर्नशिप वेबसाइट है जो कि मैंने आपके लिए नाम प्रोवाइड कराए हैं। इनमें जाकर
आपको अपना रिज्यूमे सीवी या बायोडाटा अपलोड करना है जिसके बेसिस पे आपको इंटर्नशिप मिलती है। ठीक है बच्चा, अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की। गवर्नमेंट जॉब्स की बात करना भी जरूरी है, तो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करने से पहले हमें ये स्पेसिफिक होना चाहिए क्या हमें एसएससी की तैयारी करनी है, बैंक की करनी है, आरबीआई की करनी है, एलआईसी की करनी है, यूपीएससी की करनी है, डिफेंस के लिए तैयारी करनी है, आरआरबी की करनी है, रेलवे की करनी है, हमें जो पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट ट्रेनी वगैरह की पोजीशंस निकलती है उनके लिए करनी है, या फिर टीचिंग के लिए यूजीसी नेट वगैरह की करनी है। स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए। एक या दो सेक्टर आपको चूज करने हैं उसकी आपको तैयारी करनी, और तैयारी भी टाइम पास वाली नहीं करनी है, सेल्फ स्टडी नहीं करनी है। देखिए बच्चा, सेल्फ स्टडी मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता हूं, कई ये थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव ले लेते हैं कि सर सेल्फ स्टडी रिकमेंड क्यों नहीं करते हो, क्योंकि बच्चा आज के टाइम में ना गवर्नमेंट जॉब निकालना मजाक नहीं है। लाखों बच्चे, 30 से 40 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, और छोटे मोटे बच्चे नहीं है, फर्स्ट डिवीजन वाले, 90% वाले गोल्ड मेडलिस्ट बच्चों का कॉम्पिटिशन है आपके साथ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको एक गाइड करने वाला चाहिए, ये बताने वाला चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, किन बुक से पढ़ना है किन बुक से नहीं पढ़ना, आपको कोई मोटिवेट करने वाला चाहिए, कोई कॉम्पिटिशन चाहिए आपको। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहला काम आपको अपना क्या करना है, एक सेक्टर चूज करना, बैंक की करनी, एसएससी की करनी, यूपीएससी करनी। ठीक है, फिर बिना कोई टाइम वेस्ट करे ढूंढनी है कोचिंग, जो भी कोचिंग आपको प्रीफर करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन वो चूज करनी है। कोचिंग में टाइम लगेगा 6 से 8 मंथ, उसके बाद आता है सेल्फ स्टडी का टाइम। जितना भी आपके पास टाइम है उसमें आपको करनी है सेल्फ स्टडी। एक एग्जाम चूज कर लिया, उसकी कोचिंग ज्वाइन कर ली, 6 से 8 मंथ की कोचिंग कर ली, उसके बाद सेल्फ स्टडी करोगे ना तो मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पता रहेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कौन से बुक से पढ़ना है, कैसे मॉक टेस्ट देने हैं, क्या आता है क्या नहीं आता, पूरी अवेयरनेस रहती है। तो सेल्फ स्टडी की जो इंपॉर्टेंस है, जो उसका एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है, वो अलग ही लेवल पे होगी, रदर देन कि आप पहले सेल्फ स्टडी करें जहां पर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि क्या पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। ऑलवेज ऑलवेज आज के समय बेटर यही है, स्पेशली जब आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो सबसे पहले आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी करेंगे। एक मेरी बात ध्यान रखिएगा, अगर आप जीरो लेवल पे हैं तो कम से कम 3 साल का टाइम लगेगा गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करने में, गवर्नमेंट जॉब को पाने में। तो अगर आपके पास ये टाइम है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक है, एक बैकअप ऑप्शन आप जरूर रखें, चाहे शॉर्ट टर्म कोर्सेज करें या मास्टर लेवल में कोई ना कोई डिग्री जरूर लें, ताकि इफ इन केस नहीं भी हो पाए, क्योंकि रियलिटी है ना 1 से 2% लोगों का ही तो हो रहा है, तो अगर आप उन 1 से 2% में नहीं भी आ पाए तो आपके पास एक बैकअप ऑप्शन है जिसके बेसिस पे आप प्राइवेट जॉब कर लेंगे। Is that make sense? Practical बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक छोटा सा काम कर लेंगे, मेरे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपने क्या डिसाइड करा है बीकॉम के बाद, आप क्या करने जा रहे हो। शॉर्ट टर्म कोर्सेज का नाम बता देना मुझे कि सर इस शॉर्ट टर्म कोर्सेज में मुझे इंटरेस्ट है, प्लस अगर गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब का नाम मुझे बता देना, प्लस अगर कोई डिग्री कोर्सेज करने जा रहे हो तो उसका भी नाम मुझे बता देना। इसका फायदा क्या होगा? एक फायदा आपको यह होगा कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बोलते हैं ना भैया लिखने से थोड़ी क्लियरिटी आती है, तो आपको भी क्लियर हो जाएगा कि इतने सारे कोर्सेज गवर्नमेंट जॉब डिग्रीज में आपको क्या करना है, प्लस मुझे भी आइडिया लग जाएगा कि मेरे जो स्टूडेंट हैं फ्यूचर में करने क्या जा रहे हैं, ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंग अपना कंटेंट जो है फ्रेम कर पाऊं, आने वाले वीडियोस आपके अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करा पाऊं। समझ में आ पा रहा है बच्चा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।